हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माई सेल्फ भूमिका. आई एम टेकिंग योर मैथ्स ऑफ स्टैंडर्ड थर्ड. टुडे आई विल एक्सप्लेन यू योर चैप्टर नंबर वन. योर चैप्टर, द नेम ऑफ योर चैप्टर इज वेयर टू लुक फ्रॉम. मीन्स कहाँ से देखना है. कहाँ से देखना है मतलब हम चार साइड से देख सकते हैं. अप, डाउन, लेफ्ट, राइट. और आपको पता ही है हमारे चार डायरेक्शन भी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. तो यहाँ पे उससे रिलेटेड स्टोरी दी गई है. उस स्टोरी में यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि एक टीचर है, वो अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि घर पे जाके कार्ड ड्रॉ करके आओ. तो सभी स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से कार्ड ड्रॉ करके आते हैं. नेक्स्ट डे जब वो पिक्चर्स ड्रॉ करके आते हैं तो वो एक दूसरे को अपनी पिक्चर दिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं. पर जो अंशुल है वो धीरज की पिक्चर को देख के हंसना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अंशुल को ऐसा लगता है कि धीरज ने पिक्चर अच्छी ड्रॉ नहीं की है. तो अंशुल से बोलता है धीरज को कि आपकी पिक्चर तो एक बड़े बॉक्स में एक छोटा बॉक्स ड्रॉ किया है ऐसा लग रहा है. देखो मेरी पिक्चर है वो कैसी लग रही है. दोनों पिक्चर है तो कार की ही, लेकिन दोनों ने अलग अलग तरीके से ड्रॉ की है. चलो अभी देखते हैं कि धीरज क्या बोलता है. धीरज सेड ही हैड लुक्ड एट द कार फ्रॉम द टेरेस. धीरज बोलता है कि उसने कार को टेरेस पर से देखा है, इसलिए उसने कार को ऐसे ड्रॉ किया है. डू यू थिंक हिज फनी ड्राॅइंग इज राइट. क्या बच्चों आपको लगता है कि उसकी फनी ड्राॅइंग राइट है. करेक्ट, यस, उसकी फनी ड्राॅइंग राइट है, क्योंकि उसने अपसाइड व्यू से पिक्चर को ड्रॉ किया है. हैव यू लुक्ड एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट साइड. क्या आपने भी अलग अलग साइड से पिक्चर्स को देखा है. यस, देखा ही है, क्योंकि आपके घर पे भी जो चीज़ें हैं उसको आप अलग अलग साइड व्यू से देख सकते हैं. डू दे लुक द सेम और डिफरेंट. क्या वो सेम दिखती है या अलग दिखती हैं. करेक्ट, अलग ही दिखती है. क्यों. क्योंकि उसका व्यू अलग होता है. उसको ऊपर से देखेंगे तो अलग लगेगी, राइट साइड से देखेंगे, लेफ्ट से देखेंगे, डाउन से देखेंगे, तो सभी साइड से वो अलग अलग व्यू में हमें दिखेंगी. लुक एट द पिक्चर ड्रॉन ही है. यहाँ पे पिक्चर दिया हो उसको देखो. हाउ डज द टेबल लुक फ्रॉम द साइड. टेबल है वो साइड पर से कैसा दिखता है. विच पिक्चर इज फ्रॉम द टॉप. कौन सी पिक्चर है. ये रही, ये दोनों पिक्चर है तो टेबल की, लेकिन ये जो पिक्चर है वो साइड व्यू की है और ये जो है वो अपसाइड व्यू की है. अभी नेक्स्ट क्या आता है वो देखते हैं. सम पिक्चर्स आर ड्रॉन बिलो इमेज हाउ दिस थिंग्स विल लुक इफ सीन फ्रॉम द टॉप. यहाँ पे चार पिक्चर दी गई हैं और उसका टॉप व्यू हमें कैसा लगेगा उसके बारे में यहाँ पे दिया है. ये सबसे पहले प्रेशर कुकर, फिर है स्लीपर, फिर है वाटरमेलन और फिर है कपबोर्ड. आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि प्रेशर कुकर कैसा लग रहा है अपसाइड व्यू से, स्लीपर, यहाँ पे ये है वाटरमेलन का अपर पार्ट और ये है कपबोर्ड का अपर पार्ट. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. नेक्स्ट पैराग्राफ में सबसे पहले है प्रैक्टिस टाइम. यहाँ पे भी एक कैट है, वो आप देख सकते हो कि एक क्लासरूम में झांक रही है और वो क्लासरूम में क्या देख रही है वो हमें देखना है. अ कैट इज पीपिंग इन टू अ क्लास रूम. कैन यू हेल्प और फाइंड आउट वेयर द टीचर इज. क्या आप उसको हेल्प कर सकते हो कि यहाँ पे पिक्चर में टीचर कहाँ है. ओके, योर टाइम स्टार्ट नाउ स्टूडेंट. करेक्ट, वेरी गुड, द टीचर इज हियर. करेक्ट, नाउ नेक्स्ट इज हियर आर सम पिक्चर्स. फाइंड आउट फ्रॉम वेयर यू हैव टू लुक टू सी द थिंग्स दिस वे. यहाँ पे थोड़े से पिक्चर दिए गए हैं, आपको देखना है कि आप उसको कौन सी साइड से देख सकते हैं. ये जो स्टेयरकेस है वो कौन से व्यू का है, साइड व्यू का. फिर ये दूसरा स्टेयरकेस है वो है डाउन साइड व्यू का. फिर टेबल है, टेबल का व्यू कौन सा है, अपसाइड व्यू. फिर उसके बाद है
चेयर, चेयर का व्यू कौन सा है? साइड व्यू। और ये है पेंसिल, पेंसिल का व्यू कौन सा है? अपसाइड। और ये है बस, बस का व्यू कौन सा है? साइड व्यू। नेक्स्ट इज ड्रॉ टॉप व्यू ऑफ अ फ्यू थिंग्स एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू गो गैस व्हाट दे आर। यहाँ पे आपको थोड़े से थिंग्स अप व्यू के ड्रॉ करने हैं और आपके फ्रेंड्स को बोलना है कि आप उसे फाइंड आउट करो या तो गैस करो। तो चलो बच्चों दिख बोलो कि मैंने यहाँ पे ये क्या ड्रॉ किया है। करेक्ट, इट इज़ अ बॉक्स। ये बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है जिसको हम ऊपर से देखेंगे तो वो हमें ऐसा लगेगा। थैंक यू।